मध्यकाल के लेखा जोखा उठावो तो घोटाला के छोड़, कमीशनखोरी के छोड़, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में और कुछ नहीं है। चाहे वो चिटफंड घोटाला हो, चाहे इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला हो, चाहे पनामा पेपर लीक घोटाला हो, चाहे राशन घोटाला हो, आखिरी में डॉक्टर रमन सिंह जिन मुख्यमंत्री रायगढ़ में कहे लागे कि कमीशन खोरी बंद करो, तो ये कमीशन खोरो के मुखिया कौन हो? कौन हो? राजनांदगांव ला पूरा छले के काम करे है। यदि 5 साल के हम हिसाब लगाबो तो कांग्रेस के शासन में चाहे 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी हो जिन अभी 2640 रुपया है, चाहे 72 लाख परिवार ला राशन के मामला हो, चाहे 10,000 करोड़ के कर्जा माफी हो, चाहे 432 करोड़ के सिंचाई कर माफी हो, चाहे हमारे खेतीहर मजदूर साथी मतलब 7,000 रुपया प्रति वर्ष दे के बात हो, चाहे बिजली बिल हाफ योजना के बात हो, जब 45 लाख परिवार का फायदा मिला थे। एक बात आप मतलब कहना चाहता हूं कि जब 2500 रुपया धान खरीदी चालू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता साथ ही साथ केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार के पेट में दर्द हो गए कि छत्तीसगढ़ के किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए। स्पष्ट निर्देश आ गए कि यदि भूपेश बघेल ते किसान मल्ला बोनस देवे तो चाउर खरीदना बंद। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेक इरादा रही से वो किसान मल्ला फायदा देना चाहते थे, कर से राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करी। यदि पहली साल के बोनस और अभी के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के यदि सबको पैसा मिलाबो तो खाली किसान के जेब में 32,000 करोड़ रुपया उपराहा डाले के काम यदि कोनो करे है तो माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार करे, ये बात ल समझे का आवश्यकता है। किसान के विरोधी कौन है ये समझे का आवश्यकता है। किसान के हितैषी कौन है ये समझे का आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल 727 स्कूल खोल के हजारों लाखों पालक बल्ला करोड़ों रुपया के बच्चा तो उच्च शिक्षा दे के काम यदि कोरो करत है तो छत्तीसगढ़ के सरकार करत। 15 साल में मन वो दिशा में कोई काम नहीं करी। स्वास्थ्य के दिशा में चाहे मोबाइल मेडिकल यूनिट हो, चाहे श्रम स्वास्थ्य योजना हो, चाहे हाट बाजार क्लिनिक हो, दाई दीदी क्लिनिक हो, लाखों की संख्या में एवं स्वास्थ्य सुविधा के लाभ लेवत। बेरोजगार मतलब 2500 रुपया प्रति माह भत्ता दे के काम यदि कोनो कराते तो छत्तीसगढ़ के सरकार करत। आप मान के चलो यदि धोखा से भी यदि बटन दबाए में पंजल छोड़ के एती तेती करे तो जत का योजना चला थे जेल एमर रेवड़ी की थे सब योजना ला फड़ाफड़ बंद कर दिए। मान के चलो आप ठीक से थी। आप सबके निवेदन है कि पंचायत आप में राजनांदगांव जिला के जेल एक सीट बाचेरी से दूसरी बाचेरी सब तो खैर अलग जिला बन गए, वहां कांग्रेस के विधायक जीत गए, एक ठोक सीट बाचे है यू ला कांग्रेस के झोली में डालना है। डालना है कि नहीं डालना है? जहां एक और आर्थिक मजबूती के काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, शिक्षा के क्षेत्र में काम, वही हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति, हमारे खान पान रहन सहन, हमारे रीति नीति, हमारे तीज त्योहार, ये दिशा में भी सरकार काम करत जिन हमारे मन के मान सम्मान और सुभान से जुड़े हुए बात है। हमारे बोरेवासी, हमारे खेलकूद लगातार सरकार ये दिशा में काम करत है। गोधन न्याय योजना जिसमें 2 लाख से ऊपर हमारे दीदी बहनी मन काम करके करोड़ों रुपया अभी तक से कमा चुके हैं।
पूरा भारतवर्ष में कोनों में 2 रुपया में गोबर खरीदी नहीं हुआ, 4 रुपया में गौमूत्र खरीदी नहीं हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य है यह गौ माता के सेवा करे के काम यदि कोनो करत है तो माननीय भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के सरकार करत। ये बात ला गंभीरता से सोचे की आवश्यकता है। रावण गमन परिपथ भगवान राम जिन छत्तीसगढ़ के भाचा है, छत्तीसगढ़ में ही इकलौता परंपरा है कि भाचा के पांव यदि कतको सियान हो गए मामा तो भाचा के पांव पर से। जब भी मैं राजनांदगांव आऊं मोर मामा 85 साल के हो गए ओकर बाद भी हमेशा मोला पांव पर है। ये दिशा में सरकार काम कर रहे, चाहे हरेरी हो, चाहे तीजा हो, चाहे छेछेरा पुन्नी हो, चाहे हम छठ पूजा हो, चाहे कर्मा माता जयंती हो, चाहे विश्व आदिवासी दिवस हो, इसमें छुट्टी दे के हमारे जो तीजा त्योहार है, हमार मेला ठेला है, तेकर मन के मान सम्मान बढ़ाए की दिशा में भी छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम करे। तो आज के दिन में आप सब ये समझ लो कि कांग्रेस के सरकार जिन 5 साल में चाहे किसान हुआ, चाहे मजदूर हुआ, चाहे महिला हुआ, चाहे व्यापारी हुआ, चाहे उद्योगपति हुआ, चाहे छात्र पर हुआ, चाहे बेरोजगार हुआ, सब पर सर्वांगीण विकास पर छत्तीसगढ़ में काम हुआ थे। राजनांदगांव में इन 20 साल में एक ठोक इंडस्ट्री भी नहीं लगवा सके रमन सिंह। ये सब आप सब ला ध्यान रख के आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि पंजा छाप में निशान लगा के भारी मत से बीजी बना हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित गिरीश भैया। इसके बाद मैं सीधे बुलाना चाहूंगा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी से आग्रह करता हूँ कि वे अपनी बात यहाँ हमारे कांग्रेस जनों के बीच रखें और इन्हें संकल्प दिलाएं कि कांग्रेस का हर